हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम आए हैं खाटू श्याम। और ये देखिए, आपको गेट देख के, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ये गेट देख के आपको पता चल जाएगा कि हम खाटू श्याम जी आए हैं। तो यहाँ आप कैसे आ सकते हैं, क्या खर्च होगा, क्या किराया लगेगा, कहाँ स्टे कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना और पूरा देखना। तो गाइस, चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और रात के 12:30 बज रहे हैं, बट स्टिल यहाँ की जो वाइब है वो भी एकदम है ना, लाइक पॉजिटिव हो रखी है। और लोग अभी भी जा रहे हैं दर्शन के लिए, वो झंडे लेकर बड़े बड़े। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। सो गाइज, ये है एग्जिट पॉइंट सोलर लाइन की, देख सकते हो आप। और अभी इस साइड से हमें यहाँ नहीं जाना, हमें एंट्री के साइड जाना है, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। अभी हम अपनी चप्पल वगैरह यहीं पे खोल के उतार के लेंगे, क्योंकि एग्जिट यहाँ से है, तो वापसी में हमें वापस फ्रंट गेट तक ना जाना पड़े। तो हम यहीं आस पास में दुकान देखे और वहाँ पर अपना चप्पल वगैरह जमा करेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। देख लो जितना कराना है। सो हमने गुलाब का फूल ले लिया है और प्रसाद ले लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो दर्शन करते हुए वापस, मतलब दर्शन करके वापस आ रहे हैं, बट हम अभी जा रहे हैं। एंड द रीज़न हम आपको बताएंगे कि हमने रात का टाइम क्यों चुना बेसिकली दर्शन करने के लिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मंदिर के लिए आगे ये वाला रास्ता जाता है और ये जाता है कुंड के लिए, और ये प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी द्वारा है। तो अभी हम चलते हैं इधर, तो ये रास्ता जाता है आगे के लिए। और अभी हम चल रहे हैं सीधा मंदिर। और अभी हमने कुछ लोगों से बात करी तो हमें ये पता चला कि अकॉर्डिंगली टाइम हो रहा है 1:15 और 2 बजे तक अभी मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि पगदा हो रहा है। पगदा का मतलब होता है कि अंदर साफ़ सफाई चल रही है और बाबा खाटू श्याम जी के कपड़े चेंज कर रहे हैं, या उनको वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेडी करा रहे हैं, श्रृंगार हो रहे हैं। तो उसके बाद 2 बजे खुलेगा। हम दर्शन करने के लिए जल्दी निकल गए थे, तो हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। अभी रास्ते में हमने एक शॉप से, जहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया था, वहीं से हमने उनको बोला कि फ़ोन वगैरह चार्ज अगर हो जाए तो कर दो, तो उन्होंने फ़ोन चार्ज कर दिया हमारा। और काफ़ी सारी बातें भी हो गई हमारी उनसे, तो अच्छा लगा। और बहुत अच्छे लोग थे, मतलब है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको मतलब मिसगाइड करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो अच्छा लगता है। मतलब देखो, लोग तो हर जगह ही मिल जाते हैं। हाँ, और अभी ना यहाँ पे काफी काम चल रहा है, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी चल रहा है। दर्शन करते हुए मतलब जो जिस रास्ते से आप दर्शन करोगे उधर ही। और अभी भी मार्केट यहाँ पे सारी खुली हुई है, 1 बज रहे हैं, मतलब 1 नहीं 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि 1:15 से हम लोगों ने 40-45 मिनट वहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज किया। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, और चलो आपको भी कराते हैं। अब ये सामने आ गया ध्वजा निशान स्थल, और यहाँ से होगी हमारी एंट्री, और इसके आगे से सब कुछ जमा हो जाता है, तो अंदर आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं कहाँ तक हम अंदर की वीडियो ले सकते हैं, और उसके बाद, क्योंकि अंदर भी वीडियो लेना मना है, तो वो हम आपको। और यहाँ पर आपके सारे झंडे जमा हो जाएंगे, गुलाब का फूल अभी हमारा यहाँ जमा हो जाएगा, और यहाँ से हम दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। ये पैदल यात्री मार्ग, और यहाँ से देखते हैं अंदर चलते हैं। तो अभी हम लाइन में आ गए हैं और यहाँ से अंदर चलेंगे और अंदर दर्शन करेंगे। तो चल रहे हैं हम अंदर, और बहुत ज़ोरों से, अब ज़ोरों शोरों से जयकारे लगने शुरू हो गए हैं, और अभी हम चल रहे हैं अंदर।
और देखिए भाई सब जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं अंदर, पहुंच गए अंदर और यहाँ से आपको लाइव दर्शन दिख जाएंगे बाबा खाटू श्याम जी के। और यहाँ से लाइन अंदर है और ये है मेन मंदिर और यहाँ पे दर्शन है, यहाँ से हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर बाहर चलेंगे। हाँ भीड़ कम है और दर्शन हो जाएंगे हमारे। ये एग्जिट है, यहाँ से हम एग्जिट होंगे, अभी चलते हैं दर्शन करते हैं। मेरे पीछे की लाइन देख के और ये जयकारे की आवाज़ सुन के ऐसा बिल्कुल इल बजेगा, लगेगा कि रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी भी ना लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। और मतलब इतने एक्साइटमेंट यहाँ पे ना, बहुत अच्छे गुलाब की खुशबू आ रही है। हाँ हर तरफ पूरा मंदिर ऐसा लग रहा है गुलाब गुलाब। हाँ सीरियसली, और इतने आराम से सीधे स्ट्रेट लाइन है और इतने आराम से आए हैं हम यहाँ पे। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, काफी टाइम से सोच रहे थे दर्शन करने के लिए। जय श्री हमारे श्याम जी, चलते हैं। जय श्री श्याम। गाइज हमारे बहुत सुंदर दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत आराम से हुए। इतनी सारी लाइनें हैं कि आपको ना मतलब बिल्कुल भगदड़ जो है ना उसका वो सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ, मतलब इतने इतना मैनेज कर लिया, इतना मैनेजमेंट कर रखा है यहाँ पे और बिल्कुल सीधा सीधा। मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट है जिगजैग, पहले यहाँ पे होता था, पहले जिगजैग लाइन थी, बट उससे बेटर अब कर दे कि आप सीधा सीधा हाथ जोड़ो, मत्था टेको और सामने से निकल जाओ। हाँ, और मतलब लाइक पहले हम आए नहीं थे बट हाँ जितने जिनकी हमने वीडियोस देखी थी या जिनसे हमें पता चला था कि बहुत पहले ना बहुत रश का सिचुएशन था, बट दिस टाइम मतलब हम लोग भी काफी टाइम से सोच रहे थे आने का, बट मेरी फ्रेंड ने भी यही सजेस्ट करा था कि यहाँ बहुत रश होगा तो ना आने के लिए। हमें हम अभी आए तो ऐसा देखो मंदिर में तो ऐसा नहीं है कि रश है, लेकिन अगर आप होटल की धर्मशाला की बात करो थोड़ा सा फुल है, टोटली फुल है। और यहाँ पे एक चीज और मैंने देख सुनी है कि जैसे नॉर्मली हम 24 आवर्स के लिए रूम बुक करते हैं बट यहाँ पे सिर्फ 12 आवर्स का सिस्टम है। हाँ ऐसा हमें कहीं कहीं से पता चला, तो आई डोंट नो कि पूरा यहाँ क्या चलता है, बट एक दो जगह से तो हमें जो पता चला वो यही था। बाकी और भी डिटेल्स देते हैं आपको, चलिए। बट इसमें बादाम और कुछ ड्राई फ्रूट्स और है। ये कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और अब हम बात कर लेते हैं खर्चे की। तो जयपुर से अगर आप यहाँ आते हो बाय बस तो आपका 80 rupees पर पर्सन लगेगा। मेल और फीमेल के चार्ज में थोड़ा सा मेल का कम लगता है, मेल का थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैक्सिमम 80 है। तो आप रिंगस तक आ सकते हैं, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी में आपको 50-50 रुपये पर पर्सन देना होगा और उसके बाद आप पहुँचेंगे खाटू श्याम जी के दरबार में। और यहाँ पे अगर आप होटल लेते हैं तो होटल आपको दो तरीके से मिलेंगे। पहला, अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो मिनिमम 500, मैक्सिमम आपको 1000 या 1200 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम होटल्स की बात करें तो होटल्स की स्टार्टिंग प्राइस 1200 से लेके ऊपर आप 5000-6000 जितना भी जाना चाहे उतना आपका है। तो मिनिमम आपको कम से कम 1500-2000 में आपका बजट हो जाएगा। अगर आप स्टे नहीं करते हैं तो वो आपका 1000 से कम में हो जाएगा। खाने पीने का आपका आ जाएगा 200-300 रुपए। इस तरह अगर आप यहाँ आते हैं और स्टे करते हैं तो आपके 1% का सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए लगेगा और दर्शन करने में मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे। तो अगर आप स्टे नहीं करते हैं तो गाइस यू वॉन्ट बिलीव, आप 500 में दर्शन कर लोगे खाटू श्याम के। और आई थिंक 500 के हिसाब से ये बहुत ज्यादा वर्थ इट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने दर्शन कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।